शाहरुख खान ने 1992 में बॉलीवुड में डेब्यू किया और उस पल के बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। शानदार समीक्षाओं और पुरस्कारों के साथ एक के बाद एक बड़ी हिट के साथ विश्व स्तर पर प्रसिद्ध सुपरस्टार ने सिनेमा के दिग्गजों में से एक के रूप में अपनी जगह पक्की कर ली है और वो भी विश्व मंच पर। और जबकि शाहरुख खान को देर से कुछ झटके का सामना करना पड़ सकता है, ये अस्थाई है। किंग्स के कुछ बुरे दिन भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका शासन समाप्त हो गया है। एसआर के बॉक्स पर इतनी प्रभावशाली ताकत थी कि 90 के दशक में कार्यालय वापस कि वो अछूत था, हम इसे बना भी नहीं रहे हैं। कोई भी सितारा उसके बॉक्स ऑफिस जादू को फिर से बनाने के करीब नहीं आया। इसका नमूना लें, शाहरुख खान ने अकेले 90 के दशक में 5 ब्लॉकबस्टर, 4 हिट और 3 सुपर हिट दी थी, जिसने प्रभावशाली आंकड़े हैं। वे तब और अधिक बताते हैं जब आप इसे देखते हैं कि ये एक दशक बहुत कम ब्लॉकबस्टर के लिए कुख्यात था। केवल 80 का दशक बदतर था। केवल सलमान खान अपने नाम के साथ 3 के सबसे करीब आए। 90 के दशक के अन्य सभी बड़े सितारे गोविंदा, सनी देओल, आमिर खान, अक्षय कुमार के नाम सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर था, जबकि अजय देवगन कोई नहीं था। और जबकि एक अक्षय कुमार या गोविंदा को इस अवधि में अधिक हिट मिली हो सकती है, हिट सुपर हिट नहीं, उनके पास अधिक फ्लॉप भी है। किंग खान का लगभग 60% का कुल हिट अनुपात भी इस युग में किसी से पीछे नहीं था।